बॉक्सर में तो भाई आपको बताइए। गाइस लुक हु इज हियर इन द व्लॉग टुडे। मान का बन रहा है एक साल बाद। हे गाइस वेरी सून आर यू गोना सी माय सिक्स पैक एब्स। दिस गॉट टू गो इनसाइड मैन बिकॉज़ नाउ फैमिली हैज कम इन टू सपोर्ट एंड व्हेन फैमिली सपोर्ट्स यू एवरीथिंग गेट डन रियली सून। ओके वो देख रहे हो भाई हमारे है ना, मैं बताऊँ हमारा क्या है, फिटनेस बाद में होगी पर उसका सामान पहले आ जाएगा। ये जार श्रेया ने मंगा लिया पहले स्मूदी, ने कहा पहले ये जार मंगा लिया जाए उसके बाद। तो अभी रात को ही तैयारी करके रखी जा रही है ताकि सुबह में ये हम लोग ये खाएं। ग्रेनोला डाला है, ग्रेनोला वो ये सेट हो जाएगा उसके बाद डालते हैं। ओके दीज आर कॉल्ड, व्हाट आर दीज कॉल्ड, व्हाट वही रोल्ड ओट्स, हाफ अ कप ऑफ रोल्ड ओट्स, दो नोबडी आस्क फॉर द रेसिपी बट मैं इनमें दे रही हूं, हाफ अ टीस्पून, एक कप में हाफ अ टीस्पून और मे बी वन टीस्पून ऑफ। पर क्या है कप में, है क्या वो, क्या है वो, दूध है क्या है, बता रही हूँ ना, जल्दी बताओ, 10% बैटरी बची है। रोल्ड ओट्स डालो, हाफ टी स्पून चिया सीड्स डालो, इसमें थोड़ा सा दूध डाल, मतलब दूध जो भी अगर आपको वीगन में है तो आप ओट मिल्क डालो, आलमंड मिल्क डालो, जो इसमें थोड़ा सा क्रीमीनेस के लिए यू कैन पुट योगर्ट आल्सो, तो योगर्ट अभी है नहीं हमारे पास। ओह माय गॉड आई कांट ईट विदाउट योगर्ट, तो वो हम कल इसके, तो ये इसके बाद रात भर में ओवरनाइट सेट होगा, उसके बाद कल मैं बताऊंगी कि क्या करना है। कल मिलते हैं दोस्तों, दिन बाद के घर पे ब्लॉग बन रहा है, इतने दिन के ट्रैवल के बाद, घूमने फिरने के बाद भाई फाइनली, दो दिन में शो भी करने गया था, वहाँ मैंने ब्लॉग इतना नहीं बनाया, थोड़ा बहुत चैट डाला होगा, अब फाइनली आ जाऊँ घर पे, शाम को 5 बजे का वक्त है और शेयर ने क्या मस्त चीज बनाई है। नहीं तो हमेशा ब्लॉग के चक्कर में तो इसे फॉल्स एक्सप्रेशन देने पड़ जाते हैं, मस्त बोल देता है। मेडले करके है एक सैलड डिश करके है दिल्ली में, हम उससे मंगाते हैं, क्या था मेडले है, ब्लूबेरी मेडले कुछ तो होता है ये, पता नहीं क्या होता है, ओट्स होते हैं इसके अंदर और ये फ्रूट व्रूट और स्ट्रॉबेरी वबरी मिला मुलू करके खाते हैं पूरा हिसाब किताब। श्रेया ने इधर घर पे बना दिया योगर्ट, चिया सीड, क्या क्या डाला इसके अंदर बताओ पहले, वो मैं बनाऊंगी, तू आज क्यों बना रहा है, मैं तो अच्छे से बताती ना तुझे। ग्रैनोला, अरे ऐसे ही बन जाएगा, अच्छे से चक्कर में बन, आधे टाइम तो बन ही नहीं पाता। अरे वाह भाई साहब, हाँ सही तो होता है, मेरे को तो सही लगता है ये, तो एक दो बनाना देना, बनाना भी बनाना मत डालो, बनाना नहीं खाना मेरे को। अंगूर देते, अंगूर बहुत अच्छा लग रहा था इसमें, अंगूर 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 भी काट के भाई, ये होती है भाई, ये होता है फ्यूचर, क्या अंगूर भी कट के खाने खा रहा हूँ पहली बार, तो पहली बार में तो काट के देते हैं ना, हाँ उसमें तो काट काट के डालता है कि ज्यादा लगे। वैसे अंगूर कटे हुए ठीक रहते हैं क्योंकि एक ही बारी में पूरा आता ना, दबाना पड़ता है पूरा, सही है भाई। पर ये खाने के बाद मैं बता रहा हूँ, मैं चावल पड़े और चिकन भी पड़ा, मैं वो भी खाऊंगा। फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ मेहनत द प्लेट ऑफ मेडले इज रेडी, दिस इज द प्लेट, क्या है बेरी स्मूदी, क्यों वो कहाँ से बनाई, मिला लो पूरा, अच्छा मिला लिया ना मैंने, मैं बनाना तो ऑलरेडी है, हाँ। बहुत ही अच्छा है, तो उससे भी अच्छा जो मंगाते हैं, नहीं पता ये बिक जाएगा 349 का, भेज दे। रोज खाऊंगा, रोज ही खाऊंगा अब मैं, अब भाई मैं, अब मैं हेल्दी होकर रहूंगा देखना, अब किसी का बाप नहीं रोक सकता। करता है गौरव, ये पैन में आखिरी ग्रेवी बची थी वो निकल नहीं रही थी, मैंने ऐसे डाल दी, वैसे भी मेरी शादी में हो चुकी, तो मेरी शादी में बारिश की आशंका कमी है। कौन खाता है ऐसे यार, हो सकता है मेरी दूसरी शादी में बारिश हो जाए, ऐसे खाओ नॉर्मली इंसानों की जैसे। कैसे खड़ा हो, मैं चेक कर रहा हूँ कुछ, एक्चुअली बॉक्सर में तो भाई आपको बताइए, अब अंदर तो कुछ कोई बात नहीं, ये तो मत ही डालना, इतना अच्छा पति है, रोज रात में मुझे ये ग्रीन टी ला के देता है। हाँ बुबी सुन, तो कहाँ जा रहा है मेरे भाई, इतना अच्छा पति है, रोज रात में एक ग्रीन टी बना के देता है मुझे। मैं उस कंपनसेशन देता हूँ ना, जो सुबह से शाम तक ढंग का खाना मिलता है मेरे को, तो मुझे लगता है ये 2-4 जेस्चर कर दो तो लगेगी यार वाह यार इज अ नाइस। और वो वाला भी, हम थकार के घर आते हैं कभी कभी, मैं भी थकी हुई रहती हूँ, और जैसे हम खाना खाने बैठे, गौरव बोलेगा शायद 2 गर्म पराठे बना दोगे, ऐसा पराठे की तरह सुलगती हूँ ना मैं। मैंने कहा यार मुझे भी तो भूख लगी है, मैं भी थकी हुई हूँ, सबका कॉम्पनसेशन होता है ये, है ना गोभी, क्या बोलता है, कोई पराठे बनाने तो सीख ही लेना कम से कम, इधर देख तो पराठे तो बनाने सीख ही ले एक बार। या मैं सीख लूंगा, पर जो स्वाद आपके हाथों में है वो किसी के हाथ में। गोभी तू कोशिश तो कर ना, तू इसे तो चाय भी बनानी नहीं आती है, इतनी गंदी चाय। जब हम मुंबई में थे तो मेरी मम्मी आई थी ऐसे टू विजिट अस, तो गौरव ने बोला मम्मी मैं आपको चाय बना के पिलाऊं,
तो मम्मी ने बोला ठीक है पिला दो। इतनी गंदी चाय बनाई, इतनी गंदी उसकी वो चाय, मम्मी मुझे मुझे अभी भी बोलती है पता है कि बाप रे। और मैं गलती से बोलती, इतना गौरव बना देगा तो मम्मी कैसे रूह से कांप जाती एकदम कि गौरव के हाथ की तो चाय नहीं पीनी है। मेरे को लगता है तू तो जानबूझ के करता है, है ना गुबी। तो इसी बात पे दोस्तों कल गौरव सुबह चाय बनाएगा, क्या बोलता है? मैं चाय पीता ही नहीं हूँ क्योंकि कल हमारे कुक भी नहीं आ रहे, कल तो होली है। Hey guys, all set for होली। गुबी तूने ये ग्लेस मुझे नहीं दिए थे पहनने को? नहीं मैं तो अपने रखे थे, आपको चाहिए तो उधर रखे दूसरे। अच्छा मेरे वाले दूसरे थे, ये किसमें क्या है? हैं? बोलो, टुडे चाय तो नहीं है इसमें। टुडे चाय किसने सामान होगा, ये चाहिए आपको नहीं चाहिए? ये मेरे वाले हैं, मैं अगर ये पहनूंगी तो मुझे और कुछ नहीं दिखेगा वो भी। यार ये कहानी होली करोगे, ये वाले चश्मे? ओह हाँ, तो उस पुराना वाला पहन लेते। ये चश्मा जब मैं पहनती थी तब इसे ये नहीं अच्छा लगता था, अब नया वाले ले लिया। मैंने एक बार भी नहीं बोला ये अच्छा नहीं है, झूठ मत बोलो ठीक है? तो ब्लॉग की ऑडियंस बोलती थी तो श्रेया द स्पेक्स इज नॉट नाइस, चेंज इट। फिर चेंज करा तो लोगों ने बोला वो वाले तो और गंदे से नहीं लिए। तो कुल मिला के प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द बेस्ट शी हैज डन, दिस इज द बेस्ट शी हैज डन। ये शेप मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, चश्मे वश्मे टोपी अच्छी लगती है मैंने देखा। मेरे भी शक्ल पे ये वाला शेप अच्छा लगता है, ये मैं इतना बड़ा फटका लग गया मुझे। चलो भैया हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ व्यूअर्स। मुझे क्या, चलो हैप्पी होली तो विश कर दे गोभी। हैप्पी होली ना अभी आके कर दे ऐसे, ये लोग 10 तारीख को जाएगा, तब तक क्या होली दोस्तों। हाँ हैप्पी होली, अभी आके मेरे को, मैं अभी रंग लगा के आऊंगा तो आपको पता है फिर मेरी स्किन को किस चीज की जरूरत होगी बहुत जल्दी। You know my skin needs it. ये गाड़ी की चाबी तूने ऐसे छोड़ी हुई है? ये नहीं है गाड़ी की चाबी, दूसरी है। कहाँ है वो? पड़ी है मुझे पता है। हाँ पड़ी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, कल ऑलमोस्ट जीप की चाबी हमारी खो चुकी थी, और गौरव ये जैसी कोई भी चीज खोती है ना पूरा हम बताते नहीं है लेकिन एक दूसरे को इशारा करने लग जाते हैं तुम्हारी गलती है तुम्हारी गलती है। नहीं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा आपकी नहीं गलती, देयर इज अ हाई चांस। सिर्फ एक बार हुआ है मुझसे गलती, दैट गलती विल एट लीस्ट स्टे फॉर 3-4 इयर्स इन माय कन्वर्सेशंस। और तेरे तो हर चलते फिरते कभी ये खो गया, जल्दी चलो नीचे लोग वेट कर रहे हैं। कोई नहीं वेट कर रहे हैं, वो भी अभी तक तो चिल कर रहा था, रील्स देख रहा था, अभी तुझे वेट करने लगे। तो अगर ये चाबी फिर से खोई ना तो मेरे उस तरफ इशारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आपकी तरफ जाएगा। तो हमें कल पता चला कि मेरे हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने दी नहीं थी मुझे चाबी, तो गौरव वाज प्रीटी श्योर ही इज लाइक श्रेया आप ही के पास है और आप ही ने खोई है। तो आई जस्ट वांट टू टेल हिम हमारे मोहल्ले की वो है हर 6 महीने में आती है होली में बूट्स कौन पहनता है ऐसे बोलो नहीं था, जो हम लोग अभी भी गरीब रह गए और आगे निकल गए और बीच में से जब भी गरीबों से मिलने आती है आई हैव और अमीरों को बताती हूं आई हैव पुअर फ्रेंड्स ओवर देयर दे आर रियली फन। ये भाई आप किसको कह रहे हो ना, कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए। 4 महीने कोर्स करने जा रही है भाई, इंसान का पैसा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। देखो जमीन पे बैठ के बियर पी रहे थे होली पे, वहां पार्टी चल रही है। So performed in Gurgaon after a long time and it was absolutely same energy every time. Thank you so much, thank you so much, thank you dosto, thank you guys. Look who's here in the vlog today after years of sabbatical, after years of staying in Lucknow. So Lucknow mein seekh kya hai bata, kuch bol Lucknowi andaaz. Man nahi lagta hoga na Delhi mein, zyada hi maza aa gaya, zyada aa gaya, isme zyada maza aa gaya। कहाँ था क्या भाई, क्वेश्चंस आ गए 3-4 बार, कहाँ है निखिल? मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ था, हमारे के भी इधर है मास्टर जी बताएंगे कहाँ था। कहाँ था मास्टर जी? अरे मास्टर जी आ रखे क्या? दोस्तों ये रहा निखिल, जो भी हमें बोल रहे थे निखिल से इसकी लड़ाई हो गई है इसलिए नहीं आ रहा। तेरे में लड़ाई है? मैंने देखा 2-3 कमेंट आ गए, अरे भाई लोग कमेंट करते हैं और पता है अपने आप दूसरा बंदा उसको रिप्लाई भी कर देता है, मुझे पता है क्या हुआ है। भाई निखिल लखनऊ में है, किसी ने उसकी मौसी की तबीयत खराब है ये लिखा किसी ने? अरे जनता को सब पता है भाई, कमेंट आप ही पढ़ते होगे सब। हाँ हम भी टाइम पास 85 तो आते हैं। देखा आप कब कोलकाता जाके थे ना उड़ीसा में? हाँ हाँ जहाँ क्रोकोडाइल नहीं दिखा था ना, क्रोकोडाइल था उसमें। सही है, मिलर का बिक रहा है माल वाल सेल है अभी। हाँ गाइस अंबानी इज फाइनली रिवील्ड नॉर्मल पर्सन, ऐसा नहीं लग रहा है जबरदस्त वो निकल रहा।
पापा की भाई शर्ट मशीन है, पापा की शर्ट देख लो भाई, ये देखो अंदर कढ़ाई है। अरे ये मैं बस कस्टमर्स आए और वो ब्लॉग देख देख के आते हैं ना, वो अंबानी कौन है तूने वर्तू बोलकर क्या, वो तीन सूट पे बताऊंगा क्या, मेरे तीन सूट लगता बताऊंगा। सही है, नया माल आ गया अब तो भाई। कौन सी प्योर की साड़ी दिखा ना, कौन सी निकल गई, कौन सी कितनी की थी पापा, एक ही रखी थी, 18,000 रुपए। हां तो प्योर सेल की ना, इतनी महंगी आती है 20,000 की, ये 25,000 की भी। गाइस देख लो, निखिल का फोन का कवर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का व्लॉग सही में इंपॉर्टेंट है, दुकान का बन रहा है एक साल बाद। क्यों व्लॉग बन रहा है दुकान का एक साल बाद? कस्टमर आएंगे थोड़े, कस्टमर नहीं आते ना भाई, एक तो कितने हैं, क्यों एक आए फरीदाबाद नहीं, कहां हरियाणा रहती हैं कहीं, तो दीदी वो आई थी यहीं पे, उनका ससुर मायका यहीं पे ही है, वो भी आई थी लेके गई, फिर दो तीन तो रेगुलर है। सही है, तो विकासरी में कोई है तो उसको समझ आ ही जाता है, बताने की क्या जरूरत है ना? जो ले गए ना उनको तो पता है कि क्या है। हाँ। एक वाला शॉट ले लूं, जो एकदम नहीं तो लड़के आए थे बाहर से देख रहे थे, तो मैं आगे गया फिर वो आई गए, मैंने कहा हाँ जी बताओ, कह रहे यहाँ पे बनारसी और कोई भी है क्या, मैंने कहा नहीं यही है, कह रहे अच्छा हमने ना व्लॉग में देखी थी, मुझे लग रहा है वो तो बड़ी बड़ी सी लगती है, मैंने कहा वो वाइड एंगल कैमरा होता है, बोला नहीं वो, बोला नहीं वो, वो 0.5 पे लेता है तो उसमें लगता है बड़ी है, बड़ी है। हाँ आप देखो बड़ी लग रही है ना, इस एंगल पे लग रही है भाई, कितनी बड़ी गद्दी है, हाँ ये इस एंगल पे बड़ी लगती है, पर फिर नॉर्मल ही मिली, चाबी नहीं मिली है, कल से कलेश पा रखा है इसने, चाबी नहीं चाबी नहीं चाबी नहीं, बैग में निकली खुद के, क्या चाबी, स्कूटी की चाबी, कह रहा यहाँ रखी है मैंने, यहाँ रखी है, कल से कलेश डाला हुआ है, कोई चाबी नहीं। निखिल कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ सुकून मिल रहा भाई, जीवन के बाद भी नान डाइजेस्ट कर रहे हैं, नाम बेकार है उसके यार, नाम बेकार है ना, एक लोग कुछ सोल्टर मिक्स खा लो, नाइट रायता खा लो, लस्सी पी लो, लस्सी पी लो, मेरा कुछ बहुत अच्छी थी कचौड़ी रेडी वाले की, वो बढ़िया, मुझे लगता है यहाँ कुछ गया हालत हमारे, कुछ गया पेट में, भारी भारी होता है और लगता है लगता है क्या खा रहे तोड़ तोड़ के, नान वही लगता है जला कटा सा, और एक था ऐसे देखो ऐसे ही लगता है जला कटा पूरा, देखिए नान बंदे के डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहे, चार घंटे हो गए, पता नहीं क्या समय में क्या मिला था उसको, अरे वहां पर बहुत कुछ खा रहे हैं, वहां तो बहुत कुछ हो रहे, खाओ मेरा अच्छा है, खुश होने के बाद देख ले क्या लग रहा है इसके अंदर। नहीं दोस्तों, तो आज मेरा एक स्कूल का दोस्त आया है इधर, सॉरी मेरे गुरुजी आए हैं आज, तो मैं आपको अपने गुरुजी से मिला था, रोहित सोलंकी जी से, ये देखिए रोहित सोलंकी जी है, रोहित सोलंकी जी की वाइफ भी हैं साथ में, और प्रेरणा जी एंड रोहित सोलंकी जी की एक्स भी थी, उनका नाम भी प्रियंका था, तो रोहित सोलंकी जी को पी से थोड़ा फिक्सेशन है, ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते बता दे, मेरी पी आर अच्छी है, क्या पी आर, गंदे वाले मत मारो ठीक है, ढंग के मारो, एक बाल संभालो दोस्तों, आज परफॉर्म करा द्वारका में, अलग सी ऑडियंस थी, सिर्फ चुटकुले सुनने के मूड में थे, मैंने दो चार बार इंटरेक्शन का ट्राई करा, इन्होंने ऐसा बुत जैसा मुंह बनाया, बट आई होप दे वी हैड अ ग्रेट टाइम इन द शो, प्लीज गिव इट अप फॉर मी, थैंक यू ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक द व्लॉग, इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून, एंड थैंक यू यार, वो सब व्लॉगर लोगों को मैंने देखा ना, वो देखता किया कलाम यार, मैंने कुछ नहीं बनाया यार भाई तीन साल में, सॉरी यार, नहीं नहीं बनाया बनाया, वो आज का व्लॉग इंपॉर्टेंट है वाला था, वो भी भाई आजकल आधे टाइम भूल जाता, आधे टाइम याद रहता है, वैसे ही है।